सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को गलत करार दिया है जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है, राज्य सरकार राज्य में शिक्षा के मानदंडों को रेगुलेट कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि मदरसे में कुछ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इस वजह से इसे रोका नहीं जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है जिसमें बोर्ड को कामिल, फाजिल और इस तरह के अन्य डिग्री जारी करने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट के मुताबिक इस तरह की डिग्री जारी करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए कहा, हम उत्तर प्रदेश मदरसा कानून की वैधता बरकरार रखते हैं और दूसरी बात यह है कि यदि राज्य के पास विधायी शक्ति नहीं है केवल तब भी किसी कानून को खारिज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उत्तर प्रदेश के मदरसों के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है क्योंकि हाईकोर्ट ने इन मदरसों को बंद करने तथा उसके विद्यार्थियों को राज्य के अन्य विद्यालयों में दाखिला देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून की विधायी योजना मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर के मानकीकरण के लिए है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई अर्जियों पर 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले करीब 2 दिनों तक 8 याचिकाकर्ताओं की ओर से अंजुम कादरी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज समेत कई वकीलों की दलीलें सुनी। नटराज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर शीर्ष अदालत में पेश हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च को इस कानून को असंवैधानिक तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया था। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसों के विद्यार्थियों को औपचारिक विद्यालयों में भेजने का निर्देश दिया था। मदरसों के करीब 17 लाख विद्यार्थियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदरसा एक्ट की संवैधानिकता बरकरार रखने के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी खुश हो गई है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है। बीजेपी को सवाल से दिक्कत है, फिर वह शिक्षा चाहे प्राथमिक विद्यालय से मिल रही हो या मदरसे से। देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से मदरसा एक्ट पर आए फैसले का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। बीजेपी ने हमेशा लोगों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में जब सपा की सरकार थी तब मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर फैसले किए गए और बीजेपी ने हमेशा शिक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण किया। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।